बुरहानपुर का एक हिस्सा है, और यहाँ पर आपने पढ़ा होगा हिंदुओं के राजा जो गणेश जी को नाम दिया गया है, और विशाल प्रतिमा जो है गणेश जी की यहाँ पर बिठाई गई है। दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं और जो है गणेश जी के दर्शन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक यूनिक चीज़ देखने को मिली है, देश के अंदर वक्फ बोर्ड को लेकर मुहिम छिड़ी हुई है। असदुद्दीन अवैसी सभी मुस्लिम लीडर यानी क्योंकि मुस्लिम लॉ बोर्ड ने भी जो है QR कोड जारी करके जो है मुसलमानों से निवेदन किया है कि यहाँ पर आपने देखा कि जो गणेश पंडालों में भी जो हिंदू लोग हैं उन लोगों की जो है अपने एक समर्थन वो जारी कर दिया है कि जो मुसलमान तो वक्फ बोर्ड के उसमें दे रहे हैं, लेकिन जो हिंदू लोग हैं उनको यहाँ पे एजुकेट कर रहे हैं कि आप भी इसके बिल में आ दें, क्योंकि मुसलमान में जो है विपक्ष में दे रहे हैं और आप समर्थन में जाते कि जो मोदी सरकार जो बिल पास करने वाली है उसको समर्थन करने के लिए जो यहाँ पर जो है QR कोड गणेश पंडालों में बुरहानपुर के लगाया गया है। काफ़ी ज़्यादा की मात्रा में यहाँ पे लोग आ रहे हैं, गणेश पंडाल के जो लोग हैं वो उनको एजुकेट भी कर रहे हैं कि आप इस मुहिम में शामिल हो। और प्रधानमंत्री मोदी के साथ में हमारे साथ में बात करने के लिए गणेश पंडाल के अध्यक्ष है, क्या आपने जो है QR कोड लगाया और किस तरीके से आप जो है लोगों को समझा रहे हैं और क्या लगाया थोड़ा सा दर्शकों को बताइए विस्तार से। जिस प्रकार से भारत सरकार द्वारा देश व्यापी मुहिम चलाई जा रही है कि वक्फ बोर्ड में आप अपनी सलाह दीजिए कि वक्फ बोर्ड वक्फ संपत्ति और जो न्यास है वक्फ न्यास उसको समाप्त किया जाए या जिस भी प्रकार से उसमें संशोधन सरकार द्वारा किए जाएंगे, तो मैं यह बताना चाहूँगा कि वक्फ बोर्ड जो कि एक अवैधानिक है भारत के संविधान के अनुसार वह हमारे देश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे मौलिक अधिकार जो 6 मौलिक अधिकार दिए गए उसका बिल्कुल उल्लंघन करता है। हम ये बताते हैं कि अगर वो बोर्ड में किसी परिवार की संपत्ति आ जाती है, वो 100 साल से 200 साल से वहाँ रह रहा है, उसके वंश वहाँ रह रहा है, लेकिन उस संपत्ति को अगर वक्फ द्वारा बताया जाता है कि हमारी संपत्ति है, तो उसके लिए न्यायालय में कोई कानून नहीं है। वक्फ बोर्ड के जो भी न्यायालय है वो भी अलग है, उस वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी अलग होते हैं, तो वक्फ बोर्ड के नियम और लॉ एंड रेगुलेशन सारे वक्फ बोर्ड के ही होते हैं, लेकिन वो गरीब व्यक्ति वो एक प्रकार से पीड़ित व्यक्ति अपने संपत्ति होने के बावजूद वो यह नहीं बता पाता कि वो उसकी संपत्ति और वक्फ बोर्ड उसको हमारे अपने अधीन कर लेती है, तो यह वक्फ बोर्ड समाप्त होना चाहिए। और इसके लिए हम जितने भी यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं भक्तजन आ रहे हैं उनको बता रहे हैं कि आप हमारी राय यहाँ रखें और इस QR कोड के माध्यम से सरकार को नरेंद्र मोदी सरकार को अपनी राय देकर इस वक्फ बोर्ड का जो भी या तो सरकार द्वारा संशोधन किया जाता है या उसे समाप्त किया जाता है अपनी राय वहाँ रख सकते हैं। फीडबैक क्या आ रहा है श्रद्धालु जब स्कैन कर रहे थे इसको? नहीं, ये कह रहे हैं कि अगर वक्फ बोर्ड को समानता वक्फ बोर्ड को अगर वक्फ बोर्ड का अधिकार दिया जाता है तो हिंदुओं का भी एक अधिकार दिया जाए, एक उसके समानता के अनुसार एक ट्रस्ट बनाया जाए जिसमें मंदिरों का पुजारियों का और धर्म स्थानों का या गौ रक्षण गौ जो गौचरण की भूमि होती है उसका भी ट्रस्ट बनाया जाए। अगर इस ट्रस्ट को इस वक्फ बोर्ड को समाप्त नहीं करती है सरकार तो हिंदुओं के लिए भी ऐसा कोई ट्रस्ट बनाया जाए। तो फिलहाल जो है वक्फ बोर्ड को लेकर एक तरह की देश में मुहिम छिड़ चुके हैं। ये जो संशोधन हो रहा है, आपने स्कैन किया है, क्या स्कैन किया है? जो वक्फ बोर्ड के बारे में जो कानून आया है प्रधानमंत्री जो लाया है और जो लाना चाहते हैं वो तो उन हर भाइयों का सपोर्ट, इसी सभी समाज का सपोर्ट, इसमें सभी लोगों को उनको मिले, उनको पता चले कि भाई हिंदू समाज में उनके साथ सब इसमें खड़ा है। स्कैन कर दिया हमने। क्या प्रतिक्रिया क्या दी? प्रतिक्रिया ये है कि भाई साहब जैसे कि अभी हम उसको सपोर्ट करते हैं कि भाई ये कानून आना चाहिए देश में जल्दी से जल्दी। वक्फ बोर्ड दीजिए। आपका नाम? ओम गड़े। आप और भी प्रचार करेंगे? प्रचार कर रहे हैं। इसको स्कैन कर लो। स्कैन कर रहे हैं सर, जो भी लोग आ रहे हैं वो समझा के स्कैन करवा रहे हैं। देखो कहीं ना कहीं विरोध हो रहा है और कोई समर्थन दे रहा है, हम समर्थन दे रहे हैं इस बिल को और देना भी चाहिए क्योंकि इसके अंदर संशोधन बहुत ज़रूरी है। इस कानून को इस तरह से बनाया गया है जो एक तरफा कानून है, इसमें संशोधन बहुत ज़रूरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस बिल को पारित किया संसद के अंदर और इस बिल को संशोधन होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग सब गणेश सौ पंडालों के अंदर जा जाकर ये बारकोड लगा रहे हैं और लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि आप इसको स्कैन करके अपना समर्थन अपना मत दें। किस तरीके से लोगों को समझा रहे हैं? लोगों को ये समझा रहे हैं कि संसद में जो बिल पास हुआ है
वक्फ बोर्ड कानून को संशोधन के लिए, उस बिल को हमें समर्थन देना है। मोदी जी ने जो कार्य किया उसको हम समर्थन दें, बस इतना ही बोल के लोग समझ दे रहे हैं, आपको सबको मालूम है सबको। इसका प्रचार भी कर रहे हैं? नहीं, बस यही बिल अपने जो बारकोड है लगा रहे हैं मंदिरों पांडालों में, इस तरह कुछ नहीं। सभी लगभग सभी गणेश पंडाल, सब गणेश पांडालों में लग रहा है। तो फीडबैक कैसा मिल रहा है? फीडबैक अच्छा मिल रहा है, बढ़िया मिल रहा है, बिल्कुल लोग स्कैन कर रहे हैं, लोग समझदार हैं, लोग पढ़े लिखे हैं। तो उम्मीद क्या है फिर, ये जो बिल है पास हो जाएगा? बिल पास होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए, क्योंकि एक तरफा कानून है पूरा, सबको मालूम है ये बात। लोगों की ज़मीनें कब्जे हो गई है, लोगों के मकान कब्जे हो गए हैं, जो छूट नहीं रहे, लोग परेशान हो रहे हैं, कोर्ट में जा रहे, धक्के खा रहे हैं। तो ये जो बिल मोदी जी ने लाया है बहुत अच्छा लाया है, हम धन्यवाद करते हैं मोदी जी का कि ये कानून लाया है और ये प्रस्ताव पारित होना चाहिए, ये हम निवेदन करते हैं सभी लोगों का। मेरा नाम अजीत परदेसी, हिंदू जागरण मंच जिला संयोजक है। लड़ाई छिड़ चुकी है कि दोनों ही जो पक्ष है QR कोड जारी करके जो है एक समर्थन में करता है, दूसरा जो है वक्फ बोर्ड के अधीन करता है, विपक्ष में जो है QR कोड जारी करता है। तो रिपोर्ट का फिलहाल क्या असर होता है आपको आगे अपडेट में जरूर बताया। जमा प्रथम मोहम्मद अनस के साथ में दानिश अज़ा खान, BNC मीडिया, बुरहानपुर।